साई राम, मैं अविनाश बाटा, साई द्वारका भाई धाम नंतो कला अखोबर रोड, बाबा का शिष्य, बाबा का बच्चा अविनाश बाटा बोल रहा हूँ। ये बाबा का घर, ये मंदिर नहीं हम कहते हैं, इसको बाबा का घर कहते हैं। यहाँ बाबा साक्षात विराजमान है और ये बाबा की जब ये मूर्ति बनी है द्वारका माई वाली, ये हिंदुस्तान में पहली ये मूर्ति बनी है। सब तो पत्थर पे बैठे सब मूर्ति बनाते हैं, लेकिन ये मूर्ति जो है द्वारका माई में बनी है, ये सबसे पहली मूर्ति बैठे द्वारका माई वाली बनी है। और ये मूर्ति का एक ऐसे जैसे शिरडी में मूर्ति बाबा के देखरेख में बनी थी, ये मूर्ति भी ऐसे ही बनी है। हम जब ये मूर्ति लेने गए थे तो जिससे मूर्ति ली थी उसने बोला मुझे रात को बहुत सपने आए हैं, मुझे तीन कुत्ते काट रहे थे कि बाबा, मुझे समझ नहीं आती भी क्या बात है। मैंने बोला वो तीन कुत्ते नहीं, तीन कुत्ते हम थे जो बाबा के बच्चे हैं। वो कुछ जो मूर्ति बनाओगे आप, ऐसी बनाना जो मूर्ति में कोई हेरा फेरी ना हो, बिल्कुल पत्थर साफ सुथरा हो। ये बाबा इसीलिए आपको काट रहे थे कि ये मूर्ति बहुत अच्छी, तीन कुत्ते हम ही हैं। अब तीन लोग थे, तीनों ही हमने बोला भी, उन्होंने कहा ठीक है मैं ऐसे ही करूँगा। मूर्ति उन्होंने साक्षात इतनी अच्छी बनाई है और बाबा की जो हस्ती मूर्ति है पूरे इंडिया में कहीं नहीं अच्छी बनी हुई है। और मंदिर में हर तरह का जो बाबा है, बाबा की गुफा बनी हुई है जहाँ बाबा 16 साल वहाँ पे सिद्धी में भी उन्होंने अपनी गुफा में 16 साल अपने गुरुजी के साथ पूरी बिताए थे। इसी तरह ये गुफा जो है साई द्वारका माई धाम में बनाई गई है, जहाँ समाधि मंदिर बनना था बाबा ने सपने को बोला कि यहाँ समाधि मंदिर मत बनाओ, यहाँ द्वारका माई बनी है। समाधि मंदिर तो हर एक जगह बना होता है, लेकिन ये जो मंदिर है, ये द्वारका माई के अंदर जो गुफा बनी है, इसमें हमारे बाबा ने जब गुफा बनाई थी साक्षात विराजमान हुए और हमारे साथ पैरों के साथ घुंघरू बांध के मेरे और महाजज के साथ उन्होंने पूरा नाच किया। और यहाँ जो गुफा में है बाबा हर इच्छा पूरी करते हैं। बाकी और भी मंदिर है, गणेश जी का है, शिव परिवार है, काली माता का है, चावड़ी है, गुरुस्थान है, नंदादीप है। ये बाबा की छोटी, इसको हम छोटी सिद्धि कहते हैं। जब भी आप यहाँ मंदिर में आते हो ना, ऐसे महसूस होता है कि बाबा हमारे साथ चल रहे हैं और हमें पता ही नहीं चलता कब सुबह आते हैं और शाम कब गुजर जाती है। और बाबा जो यहाँ पे इतने रोगी जो आते हैं, जो बीमार होते हैं, अपनी सिर्फ आँखों की रोशनी से ही वो इतना कुछ कर देते हैं, वो पता ही नहीं चलता कब वो ठीक हो गए हैं। ये बाबा की ये शक्ति, यहाँ पे इतनी शक्ति है कि हम कुछ बयान नहीं कर सकते। आप कभी भी यहाँ आओगे आपको महसूस होगा बाबा यहाँ विराजमान है। ओम सही राम।
हरी।